है फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेम डिजाइन। तो दोस्तों, आज एक नया वीडियो लेके आओ। आज का जो वीडियो है, आज का वीडियो में जैसे आप देख रहे हो, हम कंपाउंड टूल बनाने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कंपाउंड टूल बनने वाले से पहले आपको मैं एक बार पीस दिखा रहा हूँ, जो मेरा पीस है, कॉम्पोनेंट है। तो कॉम्पोनेंट ये है, तो यहाँ पे एक ब्लैंकिंग होगा, तो जो इनसाइड है वहाँ पे पंचिंग होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये मेरा कंपाउंड टूल है। तो इस वीडियो में मैं आपको कंपाउंड टूल कैसे चलेगा, क्या क्या चीज़ें होगा, वो बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और इसकी मैं अलग से जो है कैसे स्प्रिंग होगा, कितना स्प्रिंग चलेगा, क्या कितना पंच कैसा होगा, कितना हार्डनेस होगा, मैं इसकी जो है आपको बूम वगैरह शो करूंगा। और इसकी मैं दो वीडियो में बनाऊंगा, इसका मतलब पहला वीडियो है, दूसरा वीडियो जो है आपको वो भी मिल जाएगा। तो आज का वीडियो जो होगा कंपाउंड टूल के ऊपर होगा। तो सबसे पहले जो मेरा कंपाउंड टूल है, तो इसको मैं राफली एक बार आपको समझा देता हूँ बेसिकली होता क्या है। तो सबसे पहले जो ऊपर का मेरा प्लेट है, मैं ऑलरेडी इसकी नेमिंग वगैरह करके रखा हूँ कि आपको समझाने में मेरे को दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले मेरा आएगा टॉप प्लेट, ठीक है। तो ये मेरा है पंच प्लेट आ जाएगी, तो उसके बाद आ जाएगा मेरा पंच आ जाएगी, फिर उसके बाद मेरा डाई बैक प्लेट आ जाएगी, क्योंकि मेरा ये डाई प्लेट है। और जो प्लेट चलेगा उसको हम लग बोलते हैं स्टीपर प्लेट, ठीक है। स्टीपर प्लेट नीचे आएगी मेरा पंच प्लेट, उसके बाद आएगा पंच बैक प्लेट। बेसिकली यहाँ पे दो पंच प्लेट है, एक अपर पंच आएगी, एक आपका लोअर पंच आएगी, और सबसे नीचे जो आएगा बेस प्लेट। बेस प्लेट की साइड में आएगा आपका ये स्पेशल ब्लॉक, दोनों जो है स्पेशल ब्लॉक होती है, ये भी स्टैंडर्ड होना चाहिए, आपको ये देखना पड़ता है, इसकी लोकेशन सही होना चाहिए और इसकी जो बैलेंसिंग होना चाहिए वो सही होना चाहिए। तो हम ऊपर जो आएंगे हम पिलर सेट वगैरह लगाएंगे, और मेरा पिलर ब्लॉक हो गई, ठीक है। तो यहाँ मेरा लिफ्टिंग ब्लॉक हो गई, कहाँ से मैं लिफ्टिंग करूँगा इसको। तो दोस्तों, इसको मैं एक बार रफली आपको इसी तरीके से मैं समझा देता हूँ, जो भी मेरा ब्लॉक है। तो सबसे पहले मतलब जो कंपाउंड टूल होती है, इसकी कॉन्सेप्ट कैसे होती है, मतलब इसकी कॉन्सेप्ट कैसा है, असलता कैसा है, तो मैं एक बार आपको इसकी सेक्शन वगैरह काट के समझा देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे एक बार सेक्शन काट के देखोगे तो आपको ऐसा पता लग जाएगा, बेसिकली दो जगह स्प्रिंग है, ठीक है। तो ऊपर जो है एक स्प्रिंग है, और यहाँ पे एक मैं इजेक्टर प्लेट लगा रखा हूँ, बेसिकली ये इजेक्टर प्लेट है आपका, और यहाँ पे स्प्रिंग है। जैसे यहाँ पे हम चांग से इसको कॉम्प्रेस करेंगे तो क्या होगा, ये वाले एरिया जो है दब जाएंगे, दबने से क्या हो जाएगा, इसकी ब्लैंक काटेंगे। दूसरी चीज सिमल्टेनियसली क्या होगा, जो ये मेरा पंच है, तो यहाँ पे पंच भी हीट होगी, क्योंकि यहाँ पे एरिया है, ठीक है, यहाँ पे कुछ सर्टेन अमाउंट है। अब यहाँ पे सबसे क्वेश्चन वाली चीज होती है, तो समझने वाली चीज होती है कि आप स्प्रिंग कौन सी लगा रहे हो, ठीक है। स्प्रिंग की कैलकुलेशन होती है, और स्प्रिंग में कितना परसेंट स्प्रिंग कंप्रेस होना चाहिए, मतलब कितना एमएम हम कंप्रेस रखते हैं, कितना हम क्यों कंप्रेस रखते हैं, वो पहला क्वेश्चन है। दूसरी चीज होती है, हम जैसे यहाँ पे मैंने स्लीप लगा रखा हो, जो मेरा स्प्रिंग के बीच में स्लीप है, स्लीप क्यों लगाया हो, और कहीं कहीं पे हम स्लीप जो मेरा स्लीप नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट हम जो एक बोल्ट लगाते हैं इसको, ठीक है, तो क्यों लगाते हैं हम वहाँ पे। दूसरी चीज जो होती है, यहाँ पे स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग में कैसे, मैंने रेट का ले लिया, मैंने यहाँ पे एसएम रेट ले लिया, तो एसएम जो है, एसएम क्या होती है, और इसकी जो होती है 3080 होती है, 3580 होती है, 3590 होती है, वो क्या होती है। तो सारा चीजें जो होती है सारा स्टैंडर्ड में होती है, आपको वो पता होना चाहिए पहली बात जो है। दूसरी चीज दोस्तों, यहाँ पे जैसे कंप्रेस होगा, तो यहाँ पे जो है आपकी पंच, जो पंच होगा वो यहाँ पे काटेंगे, और ब्लैंक जो है आपको साइड में काटेंगे, ठीक है। तो पंच में कितना टॉलरेंस लगना चाहिए, ब्लैंक में कितना होना चाहिए, देखो दोस्तों एक चीज मैं बताना चाह रहा हूँ, जिन लोग को भी पेड क्लासेस वगैरह चाहिए वो मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और जिसको भी ये फाइल चाहिए अपना ईमेल आईडी नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दे, क्योंकि इसी तरीके से मैं क्लासेस देता रहता हूँ। और बेसिकली ये मेरा एक कंपनी के लिए मैंने बनाया था, उसका फाइल है, क्योंकि हर एक चीज़ें मैं यूट्यूब में शेयर नहीं कर सकता हूँ, हर एक चीज़ें मैं यूट्यूब में नहीं डाल सकता हूँ, कुछ कुछ लिमिटेशन होती है। तो जो क्लासेस होती है वहाँ पे हर एक चीज़ें हम डिस्कस कर सकते हैं, हर एक चीज़ें मैं शो कर सकता हूँ, कभी किसी फाइल का भी जरूरत होती है सीखने के लिए, होमवर्क के लिए अलग से देता हूँ, ट्रेनिंग के लिए अलग होती है, तो सारा कंपनी लेवल की प्रोजेक्ट ही मिलेंगे, जो भी ट्रेनिंग होगा तो वहाँ पे हम कुछ कुछ चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं, डिटेल में बात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ें अलाउ नहीं है, क्योंकि एक सोशल प्लेटफॉर्म है। तो दोस्तों, यहाँ पे जैसे देखोगे तो मेरा यहाँ पे पंच का कितना होगा, और जो मेरा डाई है उसमें कितना क्लियरेंस आना चाहिए, वो भी क्वेश्चन वाली बात है। और यहाँ पे जो मेरा इजेक्टर प्लेट है, इजेक्टर प्लेट बेसिकली मैं आपको दिखाता हूँ सेक्शन को आता के, तो यहाँ पे मेरा इजेक्टर प्लेट है, तो इजेक्टर प्लेट का क्या काम है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखो बोल्टिंग होगा, जो ऊपर से बोल्ट रखा है, तो यहाँ पे इसको हटाऊंगा तो ये मेरा इजेक्टर प्लेट है, ठीक है, ये मेरा जो है इजेक्टर प्लेट है। तो इसका काम क्या करेंगे, जो पंच होगा उसको आपको आराम से इजेक्ट भी होगा, तो यहाँ पे काम करेंगे वो, बेसिकली यहाँ पे जो है स्ट्रिप में काटेंगे। तो यहाँ पे देखोगे ऊपर मेरा पंच भी है, ऊपर डाई भी है, ठीक है। तो ये है आपकी कॉन्सेप्ट, आई गेस आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा मैं रफली जो है मैं बना रहा था। इसका मैं आपको एक बार वॉर्म दिखा रहता हूँ,
जब भी आप कंपाउंड डाई वगैरह डिजाइन करते हो, जो भी आपकी कंपाउंड डाई है, तो उसको मेटेरियल सिलेक्शन कैसे करते हो, जो भी मेटेरियल है उसका सिलेक्शन कैसे करते हो, तो मैं हम इसके लिए एक अलग सा वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैं इसी में ही आपको मैं दिखा देता हूँ आपको किस तरीके से बनाना है, किस तरीके से आपको काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे देखोगे सबसे पहले जो है बेस प्लेट की बात करते हैं, तो हम जो बेस प्लेट वगैरह लेते हैं हम MS की ज़्यादा लेते हैं, C45 का लेते हैं, MS ज़्यादा यूज़ करते हैं। टॉप प्लेट का भी सेम होता है, जो बेस प्लेट आपका टॉप प्लेट होती है वो भी हम जो है मैं बना रहा था, बेसिकली जो है मैंने इसको बना लिया है, अब इसके बाद जो है मैं इसकी बोम बना रहा था, तो बोम बनाते समय मैं सोचा एक वीडियो बना लूँ आपके लिए, आप लोग के लिए। तो इसके लिए हम जो है बेस प्लेट और जो मेरा टॉप प्लेट होती है वो हम MS का लेते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो आती है मेरा लोअर, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा लोअर थर्ड प्लेट, बेसिकली ये 5 ब्लैक प्लेट है और ऊपर वाले जो है मेरा 5 प्लेट है, तो इसका जो है हम जो मेरा 5 प्लेट है तो इसको हम जो है EN31 का यूज कर सकते हो, जो आपका EN31 है उसको, क्योंकि थोड़ा सा हार्ड चाहिए तो आप इसको EN31 का यूज कर सकते हो। जो स्टिपर प्लेट है उसको अभी आप EN31 का यूज कर सकते हो, बहुत लोग EN31 यूज करते हैं, 100 रुपये का आते किलो, पर किलो 100 रुपये के आसपास आती है, और जो MS आती है 70 रुपये 80 रुपये के बीच में आती है, वो डिपेंड करता है आप कहाँ से लेते हो, कौन सी वाली मेटेरियल लेते हो, उसमें ग्रेड आती है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गई, जो मेरा 5 प्लेट है हम EN31 का यूज़ कर रहे हैं मैं यहाँ पे, और जो मेरा बेस प्लेट है वो मैं किसका यूज़ कर रहा हूँ, बेस प्लेट टॉप प्लेट मैं MS का यूज़ कर रहा हूँ। जो मेरा डाई प्लेट है, डाई देखो डाई प्लेट जो है मुझे इसका हार्डनेस चाहिए, ठीक है, थोड़ा मुझे इसका अच्छा हार्डनेस चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं HCHCR का हम यूज कर रहा है, इसका थोड़ा हार्डनेस ज़्यादा है, इसका हार्डनेस आपको पता लग जाएगा कितना है, 50 HR लेके 60 HRC होती है, HRC हार्डनेस का यूनिट होता है, जो क्लासेस वगैरह है उसमें मैं डिस्कस करता हूँ क्या होता है। ठीक है, HTGNG क्या होती है, HRC क्या होती है, आपको पता होंगे इसमें बारे में, अगर किसी को नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हो, मैं जो भी डाउट है तो हम वहाँ पे क्लियर करवा देंगे जो भी आपके डाउट वगैरह होंगे। तो दूसरी चीज़ दोस्तों इसमें देखो, जो आपका डाई प्लेट है तो हम क्या करेंगे, HCR क्या फुल फॉर्म होता है कौन बताएगा, नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, अब मैं सोच रहा हूँ कुछ गिवे वगैरह भी दूँ, जो भी सही आंसर वगैरह करे, और जो भी जिसको भी फाइल चाहिए सीखने के लिए वो अपना ईमेल आईडी नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दे, और जिसको भी इस लेवल में क्लासेस वगैरह चाहिए, जिसको भी ट्रेनिंग वगैरह चाहिए, जिसको टूल एंड डाई सीखना है, क्योंकि मेरा जो टूल एंड डाई है हर तरीके से कराता हूँ, वेंडिंग भी करवाता हूँ, फॉर्मिंग भी कराता हूँ, पंचिंग भी कराता हूँ, ट्रिमिंग भी, रिस्ट्राइकिंग भी करवाता हूँ, ठीक है, ब्लैंकिंग निकालना भी सिखाता हूँ, कंपाउंड डाई भी सिखाता हूँ, प्रोग्रेसिव डाई भी सिखाता हूँ, सारे तरीके से मैं डाई वगैरह कवर करवाता हूँ। जिसको भी पेड क्लासेस चाहिए, जिसको कंपनी लेवल में सीखना है वो जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे यूट्यूब में भी एक दो वीडियो डाला हूँ, बट सीन ऐसा होता है कि कुछ कंपनी लेवल के चीज़ें आप शेयर नहीं कर सकते हो, अगर आपने गलती से शेयर कर दी तो थोड़ा सा पंगा हो जाता है, आप समझ रहे हो, तो वो चीज़ें नहीं डाल सकता हूँ मैं। तो बेसिकली इसका मैं बोम डाल रहा हूँ वहाँ पे, तो आपको समझा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम डाई प्लेट जो है थोड़ा सा हार्ड यूज़ करेंगे, तो उसके बाद 5 प्लेट आएंगे आपका। ठीक है, और जो आपकी 5 प्लेट वगैरह EN31 का यूज़ करेंगे, स्प्रिंग हम स्टैंडर्ड यूज करते हैं, बेसिकली मैं जो है ओम ट्रेडर का यूज़ करता हूँ, जो भी क्योंकि पता है आपको दिल्ली साइड में ज़्यादा चलता है, तो यहाँ पे हम ओम ट्रेडर की यूज़ करते हैं। तो जो भी स्प्रिंग यूज़ करना है आपको, स्प्रिंग का देखो, स्प्रिंग का जो है यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा है, बेसिकली इसका ऐसे नहीं होता है, तो आपको लिखना पड़ेगा कौन सी S सीरीज कौन से यूज़ करते हो, S की M मतलब मीडियम सीरीज का यूज़ करते हो, इसकी आउटर डायमीटर क्या होती है, मान लो मैं 35 का यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे 35 इंटू लेंथ कितना है, लेंथ 90 है, मेरा कितना प्री कंप्रेस रहेगा, कैलकुलेशन होती है। अगर आपको उसके लिए अलग से चाहिए, जो मेरा क्लासेज होती है उसमें मैं डिस्कस करता हूँ कि कितना स्प्रिंग होना चाहिए, कितना प्री कंप्रेस रहना चाहिए, तो वहाँ पे, और यहाँ पे जो स्प्रिंग के अंदर जो स्लीव है, तो ये स्लीव है बेसिकली, तो इसका भी जो है स्टैंडर्ड आता है, इसका हम मिसुमी का यूज़ करते हैं, जो भी स्प्रिंग वगैरह रहते हैं। और अगर दोस्तों आपको सारा स्टैंडर्ड यूज़ करना है, इसके लिए अगर वीडियो चाहिए, क्योंकि क्या है NX में ना हम एक अलग से लाइब्रेरी यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे सारा चीज़ें, जैसे मिसुमी का चाहिए आपको क्लिक करके मिसुमी का आ जाएगा, स्लीप चाहिए आपको, गाइड पिन चाहिए, जैसे यहाँ पे मैंने गाइड पिन यूज़ किया, ये मेरा गाइड पिन है, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी गाइड पिन चाहिए, कितने का डायमीटर का चाहिए, वो सारा चीज़ें जो है आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मेरा ऊपर में आता थोड़ा सा, मैं ज़रा जैसे लिफ्टिंग होल्ड है ना मेरा, टोटल 8 लिफ्टिंग होल्ड लगेंगे यहाँ पे, जैसे मेरा राइजर, जो मेरा राइजर ब्लॉक है, पिलर सेट है, जैसे मेरा पिलर सेट है, तो सारा चीज़ें जो है यहाँ पे आपको बेसिकली मिल जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अगर किसी चीज़ को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अगर किसी को ये फाइल चाहिए तो अपना ईमेल आईडी वहाँ पे डाल दे, क्योंकि मैं यहाँ पे डायरेक्ट शो नहीं कर सकता हूँ, कुछ कुछ चीज़ें हैं, कुछ प्राइवेसी है। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जिसको भी पेज प्रोसेस वगैरह सही है, जिसको भी कंपनी लेवल में ट्रेनिंग चाहिए, इस लेवल में ट्रेनिंग चाहिए, वो नीचे जो मैंने कॉन्टेक्ट दे रखा है वहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकता है। और एक चीज़, जो लोग को ट्रेनिंग करना है वही लोग करें, कि फालतू में मेरे को बहुत मैसेज आते हैं, तो हर को मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ,
अभी थोड़ा सा तबीयत भी डाउन चल रहा था, तो इसकी वजह से थोड़ा सा इश्यू हो रहा है। और जो लोग ऑलरेडी जो इंटरेस्टेड है वही लोग कॉन्टेक्ट करें। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।